सीताराम ने कही जाही बीती राखे राम कही बीती रही आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे दूजा नाता तोड़ दे साधु संत राम रंग अंगे अंग रंगिए कामे रस त्याग प्यारे राम राम भजिए कामे रस त्याग प्यारे राम राम भजिए किया तो अभिमान फिर मान नहीं पाएगा किया तो अभिमान फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारा प्रभु श्री राम जी को भाएगा जो होगा प्यारा प्रभु श्री राम जी को भाएगा सोच बुद्धि सब यही रह जाना है सुख दुख सब यही रह जाना है बेटी का खिलौना बेटी का खिलौना प्यारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है मिट्टी का खिलौना प्यारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है सीताराम 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 कहिए जाही बीति राखे राम ताही बीति रहे पहली अवस्था बचपन विच खेड गवाया अपना पहली अवस्था खेडा विच खेड गवाया अपना फिर खेडन लई रखिया ई फुल्ला देवा नाम जपण ले रखियाई केना वेला मनवा दूजी अवस्था विषया विच खेड कमाया मनवा दूजी अवस्था विषया विच खेड कमाया मनवा विषय कमाया ना तकियाई देल कवेला विषय कमाया ना तकियाई ने रख देना मनवा नाम जपन ले रखियाई केड़ा वेला मनवा तीजी अवस्था बच्चिया ने पान अकेरा मनवा तीजी अवस्था बच्चिया फसिया कदे राम होया वेला मनवा मोह विच फसिया कदे राम
चेहरा जो समाप्त करके चले गए संसार से, उनकी शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं। देखो जाना सपने हैं, कोई पहले गया या बाद में गया। जैसे कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले बांधे जाए। देखो वो गुरुदेव के नाम लेवा थे, श्री महाराज जी से बहुत प्यार था उनका, गुरु भर से बहुत प्रीति थी उनकी। महाराज जी का एक शब्द है, उन्होंने 35 प्रकाश की रचना की, उसमें उन्होंने लिखा है अक्सर बंदे एक दिन समझाते हैं दुनियादारी को कि इस संसार में आए हैं तो केवल जाना है। जैसे कहते हैं आने की शहादत जाना, कि जाने से क्यों घबराना। जिन्होंने नाम लिया होता है, जो नाम की कमाई करते हैं, वो जाने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि सबने जाना है, चाहे वो नाम जपे चाहे ना जपे। यदि नाम जपेंगे तो गुरुदेव को हमारी लाज होगी, वो हमारा हाथ पकड़कर अपने निधाम में ले जाएंगे। वो गुरु घर के सेवक थे, वो गुरुदेव के याद में गए होंगे जरूर, क्योंकि जो गुरमत परिवार होता है वो अंत में यही दर्शाता है कि गुरुदेव का ध्यान करो। यदि कोई ऐसा करे तो वो पुण्य वाला काम हो जाता है। हम जिस काम के लिए संसार में आए हैं वो काम यही है कि अंतिम समय में हमारा वो हाथ पकड़कर मालिक अपने चरणों में स्थान देते हैं हमें। देखो हम सब ने मालिक के चरणों में ये अरदास करनी है कि वो इस सभा को शोक सभा भी कहते हैं और ज्ञान सभा भी कहते हैं महापुरुष। इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं। मनुष्य को बताया जाता है कि वो संसार में किस प्रकार आया है, क्या करने आया है और क्या करके जाना है, क्या साथ हमारे जाएगा, सब बातें इस सभा में बताई जाती है। कलयुग केवल नाम अधारा सिमर सिमर न रुक रही पारा। देखो कलयुग में केवल सिर्फ नाम की कमाई है और कोई काम इतना बड़ा तपस्या का काम नहीं चलता, क्योंकि ना ही किसी के पास इतना समय है। सिर्फ चलते फिर हमारा तो नाम ही मालिक ने इतना शांत दिया हमें कि चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते प्रभु का नाम हम स्मरण कर सकते हैं। ऐसा हमारा सांसों का स्मरण मालिक ने दिया। देखो नाम की कमाई करेंगे तो हमारा आगे जाना सार्थक होगा। हम मालिक के दरगाह में जाकर के अपना मुंह दिखाने के योग्य हो जाएंगे। हमने मालिक के दरबार माता पिता के करने से संतान को अच्छा सुख मिलता है।
Thank you.
ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਫਰਾ ਜਾ ਮੋਕਸ਼ ਮੂਲੰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੋਕਸ਼ ਮੂਲੰ
बंदे हम करना करम रघुबरम उपार पुराण नंदे आते असीमा दिए सत्यम Yeah.
राम ने कही जाहि बीती राखे राम तहि बीती रही। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे ना। ये परिवार आज खुशियों से भरा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब उषा रानी का बच्चों से प्यार मिलना था तो उषा रानी भगवान के चरणों में लीन हो गई। ये देवी का अवतार है और मातृशक्ति का अवतार है, क्योंकि जैसे उन्होंने साधना करके अपने बच्चों को अपने बेटी दामाद बहुओं पोतरी दोतरी सभी समस्त परिवार को आज सबको एक साथ लेकर चली है, प्यार देकर के पराया को भी उन्होंने प्यार दिया है।
समझा, सबको अपना मान कर ही ये मेरा है, मेरा इसलिए मेरे पास आया है। दोनों ने ऐसा प्यार किया, वो प्यार किसी बच्चे को भी नहीं भूल सकता है। साधना करके आज अपने परिवार और बच्चों कुटुंबियों नाते रिश्तेदार सबको एक साथ लेकर चला। आज मां की जड़े को छोड़ करके ऐसी उड़ गई जैसे पक्षी अपने पिंजड़ों को छोड़कर चला जाता है। न अपने बच्चों को, बच्चों ने भी सेवा किया, इतना मान सम्मान मां का दिया, ऐसे बच्चे उन्होंने जन्म दिया और जन्म देकर के उनका कर्म बनाया। तो ये अच्छा कर्म करते हैं तो पुत्र को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, पुत्र को आपके फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। बच्चों के कष्ट में मां भूल जाती है कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, हे प्रभु मुझको हो जाए लेकिन मेरे बच्चों को कष्ट ना हो। बड़े दुख की बात है कि आज भी ऐसा लगता है कि आज दूसरा आदमी सबके बीच में बैठती है। बेटियों ने बहुओं ने उनका जीवन बीत गया, कोई उनको बाधा तकलीफ नहीं आई। बच्चों ने भूल की तरह मां को रखा, सलामी मां अपने बच्चों को पाल पोस करके आज यहां तक पहुंचा दिया। उस मां का धन्यवाद है, उस मां का प्यार है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया होगा, इतना संघर्ष उठाया होगा। कहते एक बच्चे पालने से कितना मेहनत करती है मां को, उन्होंने चार चार बच्चे पाल पोस करके आज यहां तक पहुंचाया कि जब सुख का समय आया, सुख भोगने का समय आया तो मां चली गई। बच्चों के अंदर यही तो है कि मां का जब सेवा पाना हुआ तो माता चल गई, माता को कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, कोई बाधा नहीं था कि चलो एक ऐसा उन्होंने ऐसा कर्म किया कि आज उनका परिवार सदा धर्म पर चलते रहे। तो धर्म ही धर्म का पालन करते रहे। आज भाई बंधु परिवार कुटुंबी नात रिश्तेदार सबको एक साथ लेकर चलते रहे। दर्शन एक मिनट में पिंजरे को खाली छोड़कर चली गई। रे मन मुसाफिर निकलना, मुसाफिर निकलना आया कुटी, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि मां एक बार दो साल पांच साल और रह जाती तो मां का सेवन कर ली होते, मां दो चार साल का मौका और दे देती तो सेवा कर लेते, लेकिन इस जीवन का कोई भरोसा नहीं।
इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जन्म लिया है तो एक दिन मरना पड़ेगा, ये भगवान का देन है, ये भगवान की खेती है। जैसे हम खेत में बीज देते हैं, खेत में बीज बोते हैं और उसको ख्याल रहता है कि इसको फल काटना है। एक पल ने एक पल के लिए प्रभु अपनी आंखें बंद करके संसार को देखता है कि संसार क्या कर रहा है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को हर जीव को चिंता होती है, हर जीव को चिंता होती है। जैसे माँ को चिंता होती है अपने पुत्र की, मुझे जितना मर्जी कष्ट दो लेकिन मेरे पुत्र परिवार बेटी बहु दोतरी देव दोतर कि मेरा परिवार सुखी बसे संसार में। मालती है भगवान से, लेकिन संसार को भी मालती की है भगवान, किसी के भी पुत्र को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि पुत्र का दर्द मां जानती है, पुत्र का दर्द मां जानती है कि पुत्र का जन्म कितना मुश्किल से देती है मां। कि प्रभु मुझको दर्द दे दो, कष्ट दे दो, लेकिन हमारे पुत्र बेटी बहु परिवार को मत देना, जो कष्ट देना है मुझको दे दो, मेरे परिवार को मत देना। हर समय मां अपने बच्चों की कामना मांगती है, कामना करती है भगवान से। आज वही कामना आज भगवान ने सब परिवार को, तो पुत्र को अच्छा फल मिलता है, माता पिता के करने से संतान को अच्छा सुख मिलता है। और वही आज सुख वही मां जगजननी शक्ति रूपा उषा रानी आज अपने परिवार के लिए भगवान से कामना मांगती थी कि हे भगवान हमारे परिवार को सदा सुख देना, शांति देना, मेरे परिवार पुत्र बेटी बहु परिवार को रक्षा करना। प्रेमन मुसा फिर निकलना खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना मालिक निकाली, इस दिन कर का मालिक निकाले। ये हमारा इसलिए जो मां ने प्यार दिया है पुत्र कभी भूल नहीं सकता है। बेटियां बहु दांत कभी कोई भूल नहीं सकता है, ये मां का प्यार है। एक था अपने मां का दिल लेके जा रहा था, उसको चोट ना जाए, देखो एक मां भाई हुई फिर भी अपने पुत्र को याद करती है। उस मां का दिल कहीं तो फिसल न जाए, कहीं फिसल मत जाना, कहीं चोट आ जाए, बेटा अपने आप को ध्यान रखना। मां के दिल से आवाज आती है,
माँ की मोहब्बत से मेह है, लेकिन उससे पुत्र को याद करती है। माँ का दिल इतना कोमल होता है कि माँ के आगे कोई बेटा बेटी बहू जवान को कोई कष्ट हो जाता है तो माँ सहन नहीं कर सकती है। माँ का दिल इतना कोमल होता है, माँ का दिल इतना कोमल होता है। हम गरुड़ पुराण क्यों सुनते हैं? गरुड़ पुराण इसलिए सुनते हैं कि आत्मा की शांति प्रदान हो। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। हमने से पहले अपना पौलब्धिक जीवन सुधार लिया है, अपना जीवन सुधार लिया है, क्योंकि कहते एक साधना एक दान, कहते ये शरीर एक लौका है। बाल्यावस्था में, युवावस्था में, अवस्था में पता नहीं चलता है, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज का ज्ञान होता है। सब कुछ यही है, कुछ दीवान नहीं, सुख दुख यही मिलता है, अच्छा और भला सब कुछ यही भोगना पड़ता है। अमृतमयी कथा है, जो बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम से, जो पुत्र अपने माता पिता के नाम से गरुड़ पुराण सुनते हैं और सुनवाते हैं, उनके माता पिता संसार से सुख भोग कर अंतकाल में भगवान हरि के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए सारा वेतांत इस गर्भ पुराण ने बताया है कि कैसे प्राणी की रचना होती है। एक एक बूंद जैसे सागर भरता है, इसी प्रकार इस प्राणी जीव की रचना होती है। लेकिन जब मैं संसार में जन्म लूंगा तो मेरा ज्ञान भूल जाएगा। सात महीने का बालक माँ के गर्भ में ही ज्ञान की बातें कर रहा है। इस नरक में मैं बड़ा दुख भोग रहा हूं, दुख भोग रहा हूं, मैं यहां से नहीं निकलना चाहता। माँ के गर्भ में ही, गर्भ में ही जीव लक्ष्मी पति हरि विषाता, क्योंकि मैं जब संसार में जन्म लेकर आऊंगा तो मेरा मेरी भी बच जाऊंगा, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा मेरे पिता जी है, मेरी बहन है, मेरा कुटुंब परिवार है। तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन तुम क्या ले आए थे इस संसार में, जब आए तो तुम क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए, जो भी दिया यहीं से लिया, जो दिया यही छोटे कर दिया। और ये तो पिछला संग पिछला कर्म, मेरा पुत्र है,
गुरुदेव दया करके इस योग बना देना, गुरुदेव दया करके इस योग बना देना। गुरु हृदय तुम्हारे में सबके दिल में कौन बसा है? परमात्मा। हम समझे या ना समझे, लेकिन आज सत्य है, इस जब शरीर को आत्मा क्षण की है तो कहां प्रवेश करती है? कहां प्रवेश करती है? जाके परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रवेश कर जाती है। भव सागर गहरा है मेरी नाल तुरारी है। जब वृद्धावस्था आ जाती किसकी आवश्यकता होती है? पुत्र की आवश्यकता होती है कि पुत्र एक केवल है। केवल किसको पार पाता है? जो धर्म पर चलता है। भगवान राम को केवल ने कैसे पार उतारा था? पुत्र हो धार्मिक हो, क्योंकि मां ने इतना तप करके सब कुछ अपना खत्म करके आज पुत्र को वर्त किया। आज मां चली जरूर गई है, लेकिन उसकी दृष्टि उसका आशीर्वाद अपने परिवार पर रहा है और रहेगा। मां की ममता कभी नहीं जाती। भले संसार से मां चली गई, श्रीमती उषा रानी भगवान के चरणों में लीन हो गई, लेकिन उसका हाथ अपने पुत्र पर सदा रहेगा। जैसे मां का दिन पुत्र निकाल के ले जा रहा था और फिसल गया, मां के दिल से आवाज आई, बेटा तू फिसल गया, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ? तो मां की ममता नहीं जाती। इसलिए जिस पुत्र बहु बेटी ने मां की सेवा कर ली, कोई भगवान की आवश्यकता नहीं, बल्कि माता पिता देवता मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसलिए माता पिता देवता के समान है। जिस पुत्र ने अपनी माता पिता की सेवा कर ली, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती जाएगी और वहां तक पहुंच जाएगा, कोई चीज की आवश्यकता ही कठिनाई नहीं भोगनी पड़ेगी। क्योंकि हर मां की ममता, हर मां से पूछो, हर मां के दिल से पूछो कि पुत्र के लिए कितनी ममता होगी। श्रीमती गीता जी, केवल किशन जी, श्रीमती उषा रानी जी, आज उषा रानी संसार को छोड़ करके हरि के चरणों में लीन हो गई हैं। उनके पति विराजमान श्री केवल किशन जी कहते मां नहीं रहती तो पिता को मां का भी आशीर्वाद देना होता है, बच्चों का प्यार देना होता है। पिताजी अभी बैठे हैं, और कोई भी पुत्र प्यार लेना है तो पिता से ले, और माता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मिलेगा, सदा बना रहेगा। पुत्र मुकेश कुमार सहदेव, उनकी पत्नी पूजा रानी सहदेव, छोटा भाई अरुण सहदेव, उनकी पत्नी रश्मि जी सहदेव, बहन ज्योति जी वर्मा, जीजा रमेश वर्मा,
ਬਹਿਨ ਮੇਘਾ ਵਰਮਾ, ਜੀਜਾ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ, ਸਮਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ, ਉਸਾ ਰਾਣੀ ਕਾ ਹਰਾ ਹਰਾ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਐਸੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮ ਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਕਾਮ ਕੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੀਏ ਸੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਨਕਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਇਸੀ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਕੁਟੀਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਵਾਣੀ ਸੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੇ ਸੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ
इस अक्षर में समझाते हैं दुनियादारी को कि संसार में आए हैं तो केवल जाना है, जैसे कहते हैं आने की शहादत जाना कि जाने से क्यों घबराना। जिन्होंने नाम लिया होता है, जो नाम की कमाई करते हैं, वो जाने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि सबने जाना है, चाहे वो नाम जपे चाहे ना जपे। यदि नाम जपेंगे तो गुरुदेव को हमारी लाज होगी, वो हमारा हाथ पकड़कर अपने निज धाम में ले जाएंगे। वो गुरु घर के सेवक थे, वो गुरुदेव के यार में गए होंगे जरूर, क्योंकि जो गुरमुख परिवार होता है वो अंतिम में यही दर्शाता है कि गुरुदेव का ध्यान करो। यदि कोई ऐसा करे तो वो पुण्य वाला काम हो जाता है। हम जिस काम के लिए संसार में आए हैं वो काम यही है कि अंतिम समय में हमारा वो हाथ पकड़कर मालिक अपने चरणों में स्थान देते हैं हमें। देखो हम सब ने मालिक के चरणों में यह अरदास करनी है कि वो इस सभा को शोक सभा भी कहते हैं और ज्ञान सभा भी कहते हैं महापुरुष। इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं। मनुष्य को बताया जाता है कि वो संसार में किस प्रकार आया है, क्या करने आया है और क्या करके जाना है, क्या साथ हमारे जाएगा, सब बातें इस सभा में बताई जाती हैं। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर न रुद्र ही पारा। देखो कलयुग में केवल सिर्फ नाम की कमाई है और कोई काम इतना बड़ा तपस्या का काम नहीं चलता, क्योंकि ना ही किसी के पास इतना समय है। सिर्फ चलते फिर हमारा तो नाम ही मालिक ने इतना शांत दिया हमें कि चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते प्रभु का नाम हम स्मरण कर सकते हैं। ऐसा हमारा सांसों का स्मरण है मालिक ने दिया। देखो नाम की कमाई करेंगे तो हमारा आगे जाना सार्थक होगा। हम मालिक के दरगाह में जाकर के अपना मुंह दिखाने के योग्य हो जाएंगे। हमने मालिक के दरबार में जाना है, संसार में भटकना नहीं है। मालिक के नाम की कमाई करो, जो समय निकालो। देखो जैसे घर में हम सब काम करते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा समय निकाल करके मालिक के नाम की कमाई करो, जो मालिक ने हमें नाम दिया है। सब संसार को ऐसा चाहिए। जितने भी लोग हम यहाँ हैं सब बातें सुन रहे हैं कि ये इसमें हमें क्या करना है, नाम की कमाई। नाम जो रखती एक है तब के वर्ष हजार, तो भी नहीं बराबरी कह सकते विचार। नाम की एक शक्ति बहुत है। यदि हम एक बार नाम का स्मरण कर लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा मन चित होकर के। हमने मालिक के चरणों में ऐसी प्रार्थना करनी है कि ऐ मालिक उषा रानी को अपने चरणों में स्थान दे और पीछे उनके परिवार को बढ़ता फूलता सुख सुविधा प्रदान करे और उनकी छत्र छाया उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर सदा बना रहे, ऐसी हमारी मालिक से प्रार्थना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल चुनकली निवासी भगवान की जय। राज्य की ओर से श्री कृष्ण राधा विश्व शांति चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड जलंधर की ओर से श्री मुकेश सहदेव जी की माता के निधन पर हमारा समस्त परिवार आपके लिए सहदेव सहन शक्ति दे परमात्मा की ओर से श्री सारा सरल बालाजी सेवा परिवार की श्रीमती उषा रानी जी के उषा रानी के लिए ये लेकर भगवान उन आत्माशील व्यक्ति को अपने चरणों में समर्पित है और उनकी आत्मा को शांति दे और सब परिवार को हमारा प्यार मिले। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देते हुए उस पर अंजलि देता हूँ। जो सहदेव परिवार की थोड़ा तो दान निकाला है, एक कुटिया के लिए, एक श्री सनातन धर्म मंदिर के लिए, एक कुष्ठाश्रम के लिए और एक श्री देवी कला मंदिर के लिए, एक दान की राशि निकाली है। जो जो जान जानना की राशि निकाली है वो सबको समर्पित की जाएगी और आत्मा की शांति के लिए माता
के लिए सभी सभी प्राणी उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान का स्मरण करेंगे। एक मिनट हरे राम हरे राम राम
Thank you.